हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो अभी सुबह कितने बजे हैं? 9:00 या 9:30 ऐसा ही होगा। तो सब ब्रेकफास्ट हुए, बच्चों को दे दिया, अभी तक बैठे नहीं। और अभी दोपहर बोल लूँ पागल होगी। सुबह से बहुत ज़्यादा धूप था, तो अभी देखो थोड़ा सा कम है, मतलब धूप उतना नहीं है। तो मेरा आज बहुत सारा काम है, वो मैं पहले कर लूँ, फिर अब से मिलती हूँ। और हवा भी चल रहा है आपके साथ बातें करते करते। देखो ऐसे हवा चले ना, तो बाहर बैठ के कोई भी काम हम कर सकते हैं। और कल जो मैं शॉपिंग हॉल वाला वीडियो बनाया था, इतना पसीना आ रहा था ना, क्योंकि घर में रिया ज़ोर ज़ोर से टीवी चलाया था। तो अभी मना करो तो गुस्सा हो जाता है, और उसके बाद कुछ ना कुछ आवाज़ तो करती है। और इस रूम में आदित्य, वो भी इतना ज़ोर ज़ोर से कान में वो हेडफोन लगा रहता है और इतना ज़ोर ज़ोर से बात करता है ना। लाइट का भी कमी था, क्योंकि मेरे पास वो फ्लैश लाइट या फोकस लाइट ऐसा कुछ नहीं था, तो इसलिए मैंने घर में करते हैं ना, तो ब्लैक ब्लैक सा दिखाई देता है, ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं बाहर गया। बच्चों को ब्रेकफास्ट दे दिया, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। यहाँ पे अंडा, दूध, मैगी, इस प्लेट में अच्छा लग रहा है ना। आज ना डिया का संडे है, उसका ट्यूसडे संडे होता है ना, तो ये देखो इतने बार बोल बोल के अभी खाने बैठी। दो बार बोले, वो भी इसका मनपसंद मैगी ना। कैसे बना? अच्छा है। मैंने तेल लाया तो थोड़ा सा सर में लगा लूँ, फिर मैं बाकी कम करूँगी। ये वाला वही तेल है जो मैंने बनाया था, एलोवेरा वाला। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं पंखे के नीचे आ गई, और पंखे के नीचे खड़े होके थोड़ा सा ये ऑयल मसाज कर लूँ। जब तक मैं दूसरे काम करूँगी, तब तक ये ऑयल स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब मैं आ गई बाहर वाले बैल्कनी में। मैंने जैसे आपको कल बताया था, थोड़ा बहुत जो भी क्रैक है उसको मैं व्हाइट सीमेंट से रिपेयर कर लूँगी, तो मैं वही काम करने के लिए आई हूँ। ये व्हाइट सीमेंट मेरे पास था, तो इसका घोल बना लूँगी। ये वाला बिरला वाइट है, तो इसका थोड़ा सा लेके पानी डाल के इसका घोल बना लूँगी, और उसको एक ब्रश के मदद से अंदर की तरफ जिसमें क्रैक है उसमें ही लगा दूँगी। और ये जो सीमेंट का घोल बनाएंगे ना, ये थोड़ा पतला ही बनाएंगे, क्योंकि मेरा गमले में दो गमले में एक इंच, थोड़ा सा एक इंच ही क्रैक था। तो और एक दो जगह और हेयरलाइन क्रैक जैसा मैंने देखा था, वही एक इंच हाफ इंच ऐसा ही क्रैक था, तो थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने इसे पतले घोल बना के इसके इसमें पूरे में ब्रश के मदद से लगा लूँगी। अगर क्रैक ज़्यादा होता है तो वहाँ पे सीमेंट थोड़ा मोटा करके लगाना पड़ता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं था, एकदम हल्का, दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो मैं इस तरीके से सिरामिक पॉट पहले भी रिपेयर किया, और वो अभी 5-7 साल हो गए, वो अभी भी चल रहा है, उसके बाद से टूटे नहीं, तो इसीलिए मैं जो भी क्रैक हो जाता है उसको फेंकती नहीं, इसी तरीके से उसको रिपेयर कर लेती हूँ। और अंदाज से ये घोल बनाया था, तो घोल थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो इसीलिए सारे पर पॉट में मैंने कर दिया अंदर के तरफ। 2-4 पॉट में ही थोड़ा सा क्रैक था, बट जिसमें नहीं था उसमें भी कर दिया। ये देखो मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ही घुल गया था वाइट सीमेंट, तो सारे पॉट के अंदर लगा दिया, जिसमें नहीं था उसके अंदर में, सिर्फ ये छोटे छोटे
हमेशा इस वाले में नहीं लगाया। मैं सोच रही हूँ इतना घोल बच गया इसमें भी लगा दूँ, और साड़ी में लगा दिया, उल्टा करके पीछे भी लगा दिया। तो अगर आपका किसी भी सिरेमिक पॉट क्रैक भी हो जाता है ना, तो इसी तरीके से आप रिपेयर भी कर सकते हो। और मेरे पीछे देखो, मैंने कूलर लगा दिया, इतना ज़्यादा गर्मी है ना, बाहर बैठ के काम करना पॉसिबल नहीं है। और सर में तेल उल लगा के, और ये देखो कि उल्टा करके रखी हूँ, क्योंकि इसके पीछे सारे लगा दिया। क्रैक नहीं था, लेकिन इतना सा घोल बच गया, तो क्या करूँ, ये सारे लगा दिया। अब देखते हैं, थोड़ा सा और है घोल, ये देखो। तो ये भी ये छोटे वाले में सोच रही हूँ लगा दूँ। तो दोस्तों, अभी ऐसे कर सकते हो। ये वाला मेरा तरीका कैसा लगा आप बताना। मतलब सिरेमिक पॉट को रिपेयर आप घर में इजीली कर सकते हो, कैसे कर सकते हो वो मैंने आपको दिखाया। और ये लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब 5-7 साल तो कहीं नहीं जाएगा, अगर आपका ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा भी क्रैक हो तो, ऐसे आप कर लोगे तो। फ्रेंड्स, आज मैंने आपके साथ शेयर किया कि अगर आपका सिरेमिक का पॉट क्रैक हो जाता है तो उसको रिपेयर कैसे करें। तो मैं तो ये थोड़ा बहुत क्रैक था, जिसमें नहीं था उसमें भी घोल बचा हुआ था वो भी लगा दिया। और ये मैं आज ये नया नहीं किया, ये पहले से मैं करती रहती हूँ। 2014 में मैं पॉट ख़रीदा था बहुत सारे, तो उसमें ऐसे होता है ना, ठोकर लग के गिर जाता है, थोड़ा सा क्रैक आ जाता है, इतना सा या इतना बड़ा क्रैक भी मैंने रिपेयर किया। तो इसी तरीके से, और 2014 में वो पॉट ख़रीदा था, 2015 में वो टूट गया था, मतलब पूरा क्रैक हो गया था ऐसे करके, उसको मैं रिपेयर किया, वो अभी तक चल रहा है। यहाँ पे है ये जो ग्रीन वाला पॉट, ये है ये अभी तक चल रहा है। और एक पॉट और है, उसमें स्नेक प्लांट लगा हुआ है, वो मेरे बेटी उसे मतलब उठाने गए तो वो गिर गए, तो वो भी टूटा हुआ है, लेकिन उसको अभी प्लांट निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऐसे ही रख दिया। उसको भी मैं इसी तरीके से रिपेयर करूँगी, और वो जब रिपेयर करूँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, या जो भी आपका ग्रुप है आप इस वीडियो को शेयर करो, ताकि जो हम प्लांट लवर है, हमें प्लांट तो बहुत पसंद है, एंड सिरेमिक पॉट ज़्यादा बहुत ज़्यादा कीमती भी आता है, महंगा भी होता है, तो वो टूट जाने से दुख भी होता है, फेंक देते हैं। तो नहीं फेंके, जो क्रैक है या टूटा हुआ है, अगर टूटा हुआ है तो अंदर से थोड़ा मोटे करके सीमेंट देना पड़ेगा, और जो क्रैक है उसको इसी तरीके से सीमेंट का घोल बना के आप दे सकते हो। अगर व्हाइट सीमेंट डाले तो उसमें बिल्कुल समझ में नहीं आता कि इसमें सीमेंट लगा हुआ है, और नॉर्मल सीमेंट में थोड़ा सा अंदर की तरफ दिखाई देगा, ऐसे बाहर की तरफ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मिट्टी से पौधे इसमें लगाने के बाद पता ही नहीं चलेगा आपको इसमें अंदर सीमेंट लगा हुआ है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये तो बहुत यूज़फुल लगा होगा, क्योंकि जो हम प्लांट लवर होता है ना, हमारे लिए ये सिरेमिक पॉट, एक एक पॉट बहुत कीमती होता है, तो ये टूटने से बहुत दुख भी होता है। तो मैंने आपको ये रिपेयर करना दिखा दिया। तो जैसे भी क्रैक हो, छोटा बड़ा जैसे भी क्रैक हो, आप इसी तरीके से रिपेयर कर सकते हो, और इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों। चलो बाकी काम कर लेते हैं। और ये देखो, इतना सा ही मेरा बाल है, पता है इतना है, थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद समझ में आता है किसका कितना बाल है, हेयर है, इतना ही है, बाकी सब गए थायराइड की वजह से।
मूंगफली, कड़ी पत्ता, ये है हरी मिर्च, एक लाल मिर्च सूखा, और ये है सौंफ। सारे को फ्राई करके रख दिया और पोहा भुनेंगे। लास्ट में थोड़ा सा 2 चम्मच ऑयल इसमें डालेंगे और देंगे काला नमक। बस पोहा नमकीन रेडी हो जाएगा। उसके बाद पोहा भुनने के बाद ये सारी चीज़ें उसमें मिला देंगे। चाय बनाते बनाते ये आ गए। ये कौन है? ये भूत है, भूत। तो इनके लिए भी चाय बना दिया। मेरा तो आधा खत्म हो गया और इनका अभी, ये देखो अभी टच नहीं किया। और ये जो पोहा नमकीन बनाया ये है, कैसा है? ठंडा नमकीन कहते हैं, चिड़वा कहते हैं, चिड़वा ही तो कहते हैं। पोहा नमकीन, चिड़वा, जो भी है मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, अभी पोहा नमकीन ही बोल रहे। इसमें सबसे अच्छा ये हुआ क्या? कैसा हुआ, कैसा लगा ये खाने में? अच्छा लगा। कुरमुरा है, चटपटा है। इनको जितने भी ये स्नैक्स टाइप का चीजें दो ना, सब अच्छा लगता है। स्नैक्स चाय के साथ किसको नहीं अच्छा लगता है? कौन सा, इनको और उनको? बात करो, किसी से पूछ लो। नहीं, ऐसा थोड़ी है, हमेशा मिक्सचर 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 यही सब खाते रहते। चाय के साथ नमकीन सबको अच्छा लगता है। क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, सूखा वाला लाल वाला मिर्ची है, उसको लग किया। तीखा नहीं है। चलो दोस्तों, इवनिंग में अभी 7:10 तो चाय वाय पी लेते हैं, फिर बैठ के एडिट भी करना है इस वीडियो का। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फिर मिलता है कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।